योग दिवस, जैसा कि हम सबको पता है, 21 जून को भारत की पहल पर यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था। तो इस बार कंचन सेवा संस्थान उदयपुर ने इस अवसर पर 21 दिन की एक विशेष व्याख्यान श्रृंखला शुरू की है, और इस व्याख्यान का उद्देश्य है आम जन को, सभी लोगों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा से अवगत कराना और उसके लाभों के बारे में जानकारी जन जन तक पहुंचाना। डॉक्टर छेल बिहारी शर्मा जी को मैं इस बारे में विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह की एक पहल सभी के हित में की है। आज हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों के लिए योग के बारे में। जिस तरह शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, उसी तरह योग के बिना भी जीवन अधूरा है। योग एक ऐसी पराशक्ति है जो हमारे ऋषियों महर्षियों ने हमें एक विशेष उपहार के तौर पर दी है, और यदि इसका अभ्यास बचपन से ही किया जाए तो निश्चित रूप से यह हमारे जीवन को बहुत बहुत प्रभावशाली, स्वास्थ्य से परिपूर्ण, बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण और समस्त शक्तियों से परिपूर्ण बनाता है। आमतौर पर विद्यार्थी जीवन में जब हम होते हैं तो ये एक अवधारणा होती है कि योग तो साधु संतों के लिए है, योग तो बड़े बुजुर्गों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए योग का क्या काम। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि योग मानव मात्र के लिए क्यों आवश्यक है। आपने विज्ञान विषय पढ़ते समय या मातृत्व के बारे में या शिशु के जन्म के बारे में अगर कुछ भी जानकारी प्राप्त करते समय देखा होगा कि माता के गर्भाशय में शिशु की अवस्था कैसी होती है। प्रकृति जब हमारे जन्म की प्रक्रिया आरंभ करती है तभी से हमें योग की विभिन्न मुद्राओं में डालने का प्रयास करती है, और 9 माह तक हम माता के गर्भ में किस प्रकार योगिक क्रियाओं के माध्यम से अपना विकास करते हैं और पूर्ण विकसित शिशु के रूप में हम माता के गर्भ से इस संसार में प्रवेश करते हैं। तो योग की उपादेयता तो वहीं से हमको समझ लेनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हम लोग इस संदर्भ में कुछ अज्ञानतावश, कुछ गलत अवधारणाओं के कारण, कुछ प्रमादवश, आलस्यवश हम लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमें यह एहसास कराया जाता है कि योग तो बीमार लोगों के लिए है, योग साधना और प्राणायाम व्यायाम तो तब करना चाहिए जब हमारा शरीर काम नहीं करे, जब हम संन्यास ले लें, साधु संत बन जाएं तो ये काम का है। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक हर प्रकार के विकास के लिए योग और प्राणायाम का बहुत महत्व है। योग और प्राणायाम हमें आत्मानुशासन सिखाते हैं, आत्म केंद्रित होना सिखाते हैं। योग और प्राणायाम हमारी मानसिक शक्ति को विकसित करने में हमारी मदद करते हैं। योग और प्राणायाम हमें एक अच्छा इंसान बनने की तरफ प्रेरित करते हैं, और एक अच्छा इंसान बनने की शुरुआत हमारे विद्यार्थी काल से ही होती है। तो विद्यार्थियों के लिए तो योग को बहुत बहुत लाभदायक माना गया है। ये न केवल बालकों के मानसिक और बौद्धिक विकास में मदद करता है, बल्कि उनके अध्ययन की प्रक्रिया में भी ये बहुत बड़ा सहायक है, उनके शारीरिक विकास में भी ये बहुत बड़ा सहायक है, और उनको एक सांगोपांग पूर्ण व्यक्ति बनाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका योग अदा करता है। आपने देखा होगा, एक समय था जब कोई योग के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करता था। पिछले कुछ वर्षों में भारतवर्ष में
पतंजलि योग पीठ के माध्यम से एक नई क्रांति का संचार हुआ। हम निश्चित रूप से सभी भारतवासी पतंजलि योग पीठ को साधुवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक भूली हुई हमारी प्राचीन विद्या को पुनः जागृत करके लोगों में एक नई आशा का संचार किया। और तब से लेके अब आजकल हर एक चिकित्सक हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, हर स्थान पर योग की उपादेयता की बात हो रही है। वैज्ञानिक हो चाहे चिकित्सक हो, साधु संत हो चाहे राजनेता हो, व्यापारी हो चाहे शिक्षक हो, खिलाड़ी हो या पहलवान हो, सभी आज योग की महत्ता को स्वीकार करते हैं, इसे मानते हैं, इसे अपनाते हैं और इसके प्रत्यक्ष लाभ सभी को सभी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो कहने का आशय यह है कि योग सभी को समान लाभ देता है और योग का अभ्यास सभी को करना चाहिए। आज के इस सत्र में मैं खास तौर से योग के जो विद्यार्थियों के लिए फायदे हैं उन पर केंद्रित करूंगा अपना ध्यान, और हम कोशिश करेंगे ये समझने की विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से और विभिन्न विद्वानों के मतों के माध्यम से कि विद्यार्थियों के लिए योग किस प्रकार फायदेमंद हो सकता है, कैसे कैसे उनको अभ्यास करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर विद्वानों की बातों को सुनकर समझकर पढ़कर हम एक राय कायम करने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि योग शिक्षा जितनी कम उम्र से दी जाए उतना ही शरीर को ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि कम उम्र में हमारा शरीर विकास की गति में गतिमान होता है। उस समय हमारा शरीर एक गीली मिट्टी की तरह होता है, इसको हम जैसे चाहें उस प्रकार से ढाल सकते हैं। और यही वजह है कि सभी विद्वान, सभी महापुरुष ये कहते हैं कि जितनी कम उम्र में योग की शिक्षा शुरू कर दी जाए उतना उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो पहला कारण तो मैंने बताया कि उस समय हमारा शरीर एक गीली मिट्टी की तरह होता है, इसको हम जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। उस समय हमारा शरीर एक नवांकुरित पौधे की तरह से होता है कि उसको जिस दिशा में हम चाहें उस दिशा में गतिमान कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक कारण और है कि उस समय हमारे मस्तिष्क में बहुत आलतू फालतू की चीज़ें नहीं भरी होती है, हमारा मस्तिष्क कंपैरेटिवली स्वच्छ होता है और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता हमारे मस्तिष्क में अधिक होती है। और यही वजह है कि बच्चे किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत जल्दी उसका अनुकरण शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बच्चे आसानी से इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को इस प्रकार से प्रेरित करें कि वो योगा और प्राणायाम के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो निर्णय सही होंगे, हमारे कदम सही दिशा में बढ़ेंगे, हम सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से आज के परिप्रेक्ष्य में मस्तिष्क को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी हो गया। पुराने जमाने में, हमारे टाइम में, हमारे बचपन में तो हम देखें तो देखिए, हम शाम होते ही स्कूल से आने के बाद बस्ता घर पे रख कर के बाहर खेलने निकल जाते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे और बहुत सारे ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज करते थे कि जिनमें शारीरिक श्रम स्वतः हो जाता था। लेकिन आजकल के बच्चों के सामने स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब बच्चा जैसे ही स्कूल से घर आता है तो आते ही सबसे पहले या तो वो अपने मोबाइल में या अपने टीवी पर कार्टून नेटवर्क देखेगा या डिजिटल गेम्स खेलना शुरू कर देगा। मुझे याद है एक शिविर में बाबा रामदेव जी ने कहा था कि बच्चे लोग सबसे ज़्यादा कार्टून देखते हैं तो वो आगे जाके कार्टून बनने वाले हैं। हालांकि उन्होंने एक हास्य के पुट में बात कही थी, लेकिन इसमें बड़ी गंभीरता छिपी हुई है कि बच्चों के मस्तिष्क में हम जिस तरह के विचारों का पौधारोपण करेंगे वही विचार आगे जाकर के वैसे पेड़ बनेंगे और वैसे ही फल देने वाले बनेंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि आज के ज़माने में खास तौर से जब बच्चों के सामने
फिजिकल एक्टिविटीज करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं के बराबर है, वो मानसिक रूप से अपनी आंखों को खराब करने वाली गतिविधियों में ज्यादा लिप्त हैं, अपने दिमाग को खराब करने वाली गतिविधियों में ज्यादा लिप्त हैं, तो ऐसे में हमें उन्हें योग की ओर उन्मुख करना बहुत बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो धीरे धीरे कुंठा का शिकार हो जाते हैं, वो धीरे धीरे एक हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, वो टीवी में जैसा देखते हैं, वो कार्टून नेटवर्क पे जैसा देखते हैं, वो विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं उनमें जो देखते हैं वैसा बनने का प्रयास करते हैं और नहीं बन पाते हैं, तो उसमें बड़ी कुंठा और एक हीन भावना का विकास होना शुरू हो जाता है, जो आगे जा करके उनके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तन मन को अस्वस्थ करने का एक सबसे बड़ा कारण है ये गैजेट्स, मोबाइल हुआ, चाहे ये डिजिटल गेम्स हुए, चाहे टीवी हुए, तो इन सब से दूर रखने के लिए हम ये नहीं कह रहे कि उनको बिल्कुल वंचित कर दिया जाए, नहीं, लेकिन एक समय सीमा का निर्धारण करके और उनके मस्तिष्क में इस तरह के विचार अभी से अंकुरित किए जाएं कि भाई हमारे जीवन के लिए आवश्यक क्या है वो हम पहले करें, जिस चीज़ की आवश्यकता कम है उसको कम प्राथमिकता दें, जिस चीज की आवश्यकता अधिक है उसको अधिक प्राथमिकता दें। दूसरा जो कारण है कि क्यों हमें बच्चों को योग की तरफ प्रेरित करना चाहिए, क्यों हमें बच्चों को प्राणायाम सिखाना चाहिए, क्यों? क्योंकि दृढ़ता और एकाग्रता को बढ़ाता है। जो बच्चे योग और प्राणायाम करते हैं और जो बच्चे योग और प्राणायाम नहीं करते हैं, उन दोनों वर्गों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, जो कि कई बार कई संस्थाओं ने अलग अलग स्तर पर किया है, तो ये पाया गया है कि जो बच्चे योग और प्राणायाम करते हैं उनके विचार दृढ़ होते हैं, वो एकाग्रचित्त होकर अपना कार्य करने में विश्वास करते हैं, वो पढ़ाई में, वो खेल में, वो हर गतिविधि में दूसरों की तुलना में आगे होते हैं। लेकिन जो बच्चे योग और प्राणायाम नहीं करते हैं उनकी एकाग्रता नहीं होती, कंसंट्रेशन होता ही नहीं, वो 5 मिनट पढ़ने बैठते हैं, 6 मिनट में कहीं और उनका ध्यान चला जाता है, वो 10 मिनट खेलने बैठते हैं, 7वें मिनट 11वें मिनट में वो कहीं और उनका ध्यान भटक जाता है, तो किसी भी काम पर एकाग्र नहीं हो सकते, उनमें दृढ़ता आ ही नहीं सकती, उनकी रुचि किसी में विकसित हो ही नहीं सकती। और ऐसे बच्चों के पेरेंट्स प्रायः ही शिकायत करते हैं कि साहब क्या करूं, मेरे बच्चे का तो किसी चीज़ में कंसंट्रेशन डेवलप होता ही नहीं है, हम कोशिश कर करके थक गए। तो ऐसे अभिभावकों को हम हमेशा यही सलाह देते हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा थोड़ा योग की तरफ उन्मुख करो। और एक सबसे बड़ी बात, बच्चों को अगर कोई चीज़ सिखानी है तो उपदेश देकर नहीं सिखाई जा सकती। माता पिता को, गुरुजनों को स्वयं उनके साथ वह गतिविधि करके उनको सिखाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों में अनुकरण की प्रक्रिया अधिक सहज होती है, बच्चे अनुकरण करते हैं। प्रायः हमने देखा है कि कई माताएं हमारे पास आती है कि सर बच्चा किताब पढ़ता ही नहीं है, किताब को हाथ में देते हैं तो 5 मिनट में फेंक देता है, फिर फोन से खेलने लग जाता है, टीवी देखने लग जाता है। तो हमने जब उनसे कारण समझने की कोशिश की तो पता चला कि उनके घर में कोई किताब पढ़ता ही नहीं है, उनकी माताजी हमेशा फ़ोन पे लगी रहती हैं, उनके पिताजी हमेशा लैपटॉप पे लगे रहते हैं, उनके बड़े भाई और बहनें हमेशा लैपटॉप या मोबाइल पे लगे रहते हैं। और फिर उस बच्चे को ये प्रेशराइज किया जाता है कि तुम किताब लेके बैठो तो कैसे बैठेगा, तो घर में माहौल भी होना चाहिए और वो माहौल बनाना हम बड़ों का कर्तव्य है। तीसरा कारण जो मैं मानता हूँ कि विद्यार्थी काल से ही, बचपन से ही बच्चों को योग सिखाना चाहिए, और वो कारण है कि योग चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सभी में आत्मविश्वास का विकास करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। योगा और प्राणायाम करने वालों में एक अलग किस्म का आत्मविश्वास देखा जाता है, पाया जाता है, एक विशिष्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें झलकता है, वो किसी काम को करने से हिचकते नहीं, वो किसी चुनौती को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनका मन और मस्तिष्क दृढ़ है, एकाग्रता वो डेवलप कर सकते हैं, वो किसी भी काम पर फोकस कर सकते हैं, और यही वजह है
कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा होता है। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, खासतौर से कई पेरेंट्स आते हैं, और मैंने ऐसे कई छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि जो चेस में बड़े चैंपियन हो गए, अपने आप को बड़ा चैंपियन मानते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने सिखाया, अरे बेटा तेरे जैसा चेस तो कोई खेलता ही नहीं है, तेरे जैसा कैरम तो कोई खेलता ही नहीं है, तू जितना रेस में होशियार है उतना तो कोई है ही नहीं। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अगर वो बच्चा कभी किसी से हार जाए उस खेल में, या कभी कोई अन्य बच्चा उसको पीछे रख दे, तो वो इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसमें एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसमें एक ईर्ष्या का भाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम माँ बाप, हम बड़े बच्चों में बचपन से ही एक ऐसी भावना भर देते हैं कि बेटा तू तो हार ही नहीं सकता, उसको तैयार नहीं करते हैं जीतने के लिए, बल्कि उसको मानसिक रूप से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि तू तो इतना इंटेलिजेंट है कि तू तो हार ही नहीं सकता, तू तो इतना समर्थ है कि तू हार ही नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में होता क्या है, वो बच्चा जब किसी से हार जाता है तो उस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और ऐसे में बच्चे अवसाद के शिकार हो जाते हैं, कुंठा के शिकार हो जाते हैं, मानसिक उद्वेग के शिकार हो जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते हैं, और उनमें धीरे 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 आत्मविश्वास की कमी आने लगती है। और एक बार जिस बच्चे में आत्मविश्वास की कमी आना शुरू हो गई, वो बच्चा भविष्य में फिर से खड़ा हो पाने में बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना करता है, और कई बच्चे तो कभी खड़े नहीं हो पाते, वो जीवन में हमेशा यही सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, दूसरे सब लोग मुझसे होशियार हैं, मैं तो बहुत कमजोर हूं। लेकिन इस धारणा को बदला जा सकता है, इस स्थिति को बदला जा सकता है, बशर्ते कि हम आरंभ से ही इन बच्चों को योगाभ्यास, प्राणायाम और इस भावना से भरने का प्रयास करें कि प्रयास करना हमारा धर्म है, सही दिशा में सही तरीके से प्रयास करना हमारा धर्म है, जीत और हार हमारे प्रयासों के परिमाण पर निर्भर करेगी, हम कितना प्रयास करते हैं, किस दिशा में प्रयास करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, हम प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे कि तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि हम हारने के बाद अपना आत्मविश्वास खो बैठे, प्रत्येक हार से हमें एक सीख लेने की आवश्यकता मिलती है, और योगाभ्यास और प्राणायाम यह कार्य करने में बच्चों की और बड़ों की समान रूप से मदद करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शुरू से ही बच्चों को योगाभ्यास की तरफ प्रेरित करें, हम शुरू से ही बच्चों को प्राणायाम करवाएं। चौथा सबसे बड़ा कारण है कि क्यों बच्चों को योग और प्राणायाम करवाना चाहिए। योग और प्राणायाम करने से, जैसा कि मैंने बताया, आत्मविश्वास बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, दृढ़ता बढ़ती है, शरीर निरोग होता है, और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि योगाभ्यास और प्राणायाम करने से हमारी बुद्धि तेज होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। वैसे तो आप बोलेंगे कि अरे साहब, मार्केट में बहुत सारे टॉनिक्स उपलब्ध हैं दिमाग को तेज करने के लिए, ये दवा खाओ 5 दिन में दिमाग तेज हो जाएगा, क्लास में फर्स्ट आना है। मैं किसी उत्पाद का यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन माफ़ करें, ऐसे बहुत सारे उत्पाद हमें टीवी पे देखने को मिल जाते हैं, अखबारों में विज्ञापन मिल जाते हैं। क्या आपका बच्चा कमज़ोर है, क्या आपके बच्चे की याददाश्त कमज़ोर है, उसको पिलाएं ये घुट्टी, 4 दिन में वो सही हो जाएगा। ये सारे भ्रम हैं, ये सारे धोखे हैं, इनके छलावे में न आए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि योग एक प्राकृतिक साधन है, इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई मुकाबला नहीं, इसमें कोई छलावा नहीं है। सही खानपान और नियमित योग क्रिया आपका और आपके बच्चे का दिमाग तेज करने में बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बचपन में ही अगर बच्चे इस तरह का अभ्यास करना शुरू करें तो बच्चों का जो सोच है वो हमेशा सकारात्मक रहेगा, उनका अच्छा सोच विकसित होगा। इसलिए अपने बच्चों को योग का ज्ञान दें और उनकी बुद्धि को तेज करने में आप अपनी तरफ से एक महत्वपूर्ण योगदान करें।
बड़े होकर के वो निश्चित रूप से आप की प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे, आपसे कभी उड़ीण नहीं हो पाएंगे। पांचवा कारण, क्यों बच्चों को योग सिखाना चाहिए। बच्चे बड़े कोमल होते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि बच्चे किसी भी चीज का, किसी भी धारणा का, किसी भी व्यक्ति का अनुसरण करने में विलंब नहीं करते। उस समय उनमें इतना विवेक नहीं होता कि वो जिसका अनुसरण कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जब वो घर से बाहर निकलते हैं विद्यालय जाने के लिए, ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, ऑटो चालक को वो धूम्रपान करते हुए देखते हैं, तंबाकू खाते हुए देखते हैं, स्कूल बस में जाते हैं तो बस के ड्राइवर को या बस के जो क्लीनर होते हैं उनको तंबाकू या गुटखा खाते हुए देखते हैं, सिगरेट पीते हुए देखते हैं, नशा करते हुए देखते हैं। तो कई बच्चे बचपन से ही इस प्रकार के व्यसन के प्रति आसक्त हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो व्यसनों के शिकार भी हो जाते हैं। अगर हम बचपन से ही बच्चों को योगाभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास करवाएंगे तो निश्चित रूप से वो बुरी संगत से बचेंगे, व्यसनों से दूर रहेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने में अपनी खुद की सहायता कर पाएंगे। मादक द्रव्य का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में मुझे आप सबसे कुछ बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि मादक द्रव्य हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए तो खास तौर से बहुत घातक होते हैं। हमने देखा कि कई बच्चे, खास तौर से वो बच्चे जिनके माता पिता दोनों रोजगार में या व्यवसाय में लिप्त हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, नौकरों के हवाले कर देते हैं, ड्राइवरों के हवाले कर देते हैं, ड्राइवर उनको लेके स्कूल जाते हैं, ड्राइवर उनको लेके घर आते हैं, घर में वो नौकर चाकरों के भरोसे रहते हैं। तो ऐसे बच्चों में कुव्यसन जल्दी पनपते हुए देखे हैं, या फिर उन बच्चों में जिनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, जिनके माँ बाप उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियाँ, चाहे वो उच्च छोर पर हो चाहे निम्नतम छोर पर हो, ये दोनों खतरनाक हैं। बच्चों के विकास में माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है, और वो योगदान उन्हें सही समय पर सही गाइडेंस दे करके, पर्याप्त समय दे करके ही पूरा किया जा सकता है। तो यदि हम बच्चों को शुरू से ही योगाभ्यास प्राणायाम के महत्व से अवगत कराएंगे, उनको अभ्यास कराएंगे, तो वो बुरी संगत से बचेंगे, बुरी संगत से बचेंगे तो व्यसनों से बचेंगे, व्यसनों से बचेंगे तो उनको शारीरिक व्याधियां नहीं होंगी, मानसिक रोग नहीं होंगे, बौद्धिक उपद्रव नहीं होगा, उनके मन और मस्तिष्क में एक सकारात्मक चेतना की जागृति होगी, और जब सकारात्मक चेतना जागृत होगी तो बच्चों को सही क्या है और गलत क्या है ये समझने में, स्वयं निर्णय लेने में एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा और वे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। छठा कारण, देखिए योग और प्राणायाम के हजारों कारण गिनाए जा सकते हैं, मैं आज आपको सिर्फ बहुत गिनती के इतने महत्वपूर्ण कारणों के बारे में ही प्रकाश डाल रहा हूं कि जिनको अगर हम आत्मसात कर लें, और खास तौर से जो मेरे छोटे भाई हैं, जो मेरे से 8-10-20 साल छोटे हैं, उनके जो बच्चे अभी छोटे हैं, बचपन में हैं, उनको अगर वो थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से वो अपनी एक नई जनरेशन को नए स्वरूप में विकसित कर सकते हैं। तो जो छठा महत्वपूर्ण कारण है, जो छठा महत्वपूर्ण लाभ है योग और प्राणायाम का, वो है लक्ष्य प्राप्ति में सहायता। योग का अभ्यास हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने में हमारी मदद करता है, ये हम सबको पता है, हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। प्रॉब्लम ये है, जानना मानना, मानना मनन करना, मनन करना चिंतन करना, और चिंतन करके कर्म करना, ये एक पूरा प्रोसेस है। तो जब तक हम जानते हैं, जानते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिन चीजों को हम मानना शुरू करते हैं, मानने के बाद हम उन पर मनन और चिंतन करना शुरू करते हैं, और मनन और चिंतन के बाद हम उन पर कर्म करना शुरू करते हैं, और जैसे ही कोई मान्यता, कोई विश्वास कर्म में परिवर्तित होता है तो उसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि योगाभ्यास से बुद्धि विकसित होती है,
हम शारीरिक तौर से मजबूत बनते हैं, एकाग्रता आती है, दुर्व्यसनों से मुक्ति मिलती है, तो हमें यह अच्छी तरह से मान लेना चाहिए कि योग और प्राणायाम हमारी लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़े सहायक साधन हैं। और यदि हम बच्चों को अभी से योगाभ्यास की तरफ प्रेरित करेंगे, अभी से योगाभ्यास की तरफ उन्मुख करेंगे, तो निश्चित रूप से ये बच्चे योग के बल पर अपने मस्तिष्क को शुद्ध करके विचार शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और विचार शक्ति जिस दिन बढ़ गई तो उस दिन उनको लक्ष्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। एकलव्य इतना बौद्धिक रूप से जागृत था कि उसने लक्ष्य बना लिया था कि मुझे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर एक अच्छा धनुर्धर बनना है। भले ही द्रोणाचार्य ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसका मस्तिष्क इतना विकसित था, उसका दृढ़ निश्चय था, उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि उसने अपने योग विद्या के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी एकाग्रता के बल पर वो हासिल किया जो वो हासिल करना चाहता था। जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया था वो लक्ष्य उसने प्राप्त किया। हमने देखा है कि जो बच्चे शुरू से योग करते हैं वे बच्चे अपने व्यवहार और कार्यों से अपने आसपास के दूसरे बच्चों को भी प्रेरित करते हैं, और योग की सहायता से बच्चे अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। वो सोच लेते हैं कि आज मैं खेलने तभी जाऊंगा जब मुझे कल के गणित के टेस्ट की तैयारी पूरी हो जाएगी। ऐसा करने के लिए उन्हें कोई प्रेरित नहीं करता, कोई फोर्स नहीं करता, वो स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से खुद अपने बौद्धिक विवेक से ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उसके अनुरूप आचरण करते हैं। तो जो लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और यदि उन्हें जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उन्हें योग और प्राणायाम का अभ्यास करना आवश्यक है, करना ही चाहिए। आइए, बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम चूंकि करियर काउंसलिंग के फील्ड में हैं, हम विद्यार्थियों के साथ बहुत उठते बैठते हैं, तो हमारे पास ऐसे कई केस आते हैं कि साहब मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं पढ़ने भी बैठता हूँ पर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। खूब कोशिश करता हूँ साहब, लेकिन किताब जैसे ही खोलता हूँ तो टीवी सीरियल देखने लगता है किताब के पन्नों पर। जैसे ही किताब खोलता हूँ तो क्रिकेट मैच चलने लगता है, एकाग्रता नहीं आ पाती। यही समस्या लेके बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारे पास आते हैं कि साहब हम कोशिश कर करके थक गए, हमारे बेटे या हमारी बेटी का तो पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। हम उनको कमरे में बंद कर देते हैं, टीवी भी नहीं देखने देते हैं, टेलीफोन भी नहीं देते हैं, फिर भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो किताब लेके बैठते हैं उनको नींद आने लग जाती है, वो किताब लेके बैठते हैं उनका ध्यान भटक जाता है, किताब खोल के बैठे रहते हैं घंटों तक, एक किताब का पन्ना तक नहीं पलटते, पता नहीं किन ख्यालों में खोए रहते हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये अनुभव है कि मन चंचल होता है, हम सब जानते हैं, मनुष्य मन सबसे ज़्यादा चंचल होता है और इसको एक जगह केंद्रित करना बहुत मुश्किल काम है। और यही कारण है कि हम सबको, बच्चों को ही नहीं, हम सबको किसी एक काम पर फोकस करने में बहुत दिक्कत आती है, तकलीफ आती है। इसलिए अगर मन हमारे कंट्रोल में आ जाए, अगर हम मन पर काबू पा लें, मन को नियंत्रित कर लें, तो हमारे जीवन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का यूं चुटकियों में हल हो जाएगा। लेकिन सबसे कठिन काम है मन को नियंत्रित करना, और सबसे सरल तरीका है मन को नियंत्रित करने का योग और प्राणायाम, जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हम दुनिया भर की दूसरी चीजें करते रहेंगे, लेकिन जो हमें सहज सुलभ है, मुफ्त में उपलब्ध है, उसकी हम कद्र नहीं करते, हम योग नहीं करते, हम प्राणायाम नहीं करते, तो हम कैसे मन को काबू में पाएंगे। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, कई लोग आते हैं मेरे पास, कई खासतौर से कॉलेज के विद्यार्थी और बोर्ड के विद्यार्थी, 10वीं 11वीं 12वीं के, कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए मैं तो क्या करता हूँ सर कि मैं तो रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो अपना कमरा बंद करके
पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ तब मेरा थोड़ा बहुत मन लगता है। भाई मैं उनको यही समझाता हूँ कि अच्छी बात है लेकिन तुम प्रकृति के विरुद्ध जाकर के ये काम कर रहे हो। जितना प्रयास तुम मन को एकाग्र करने के लिए कर रहे हो उतना ही अनजाने में तुम शरीर से जुड़ी हुई समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हो। इससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी तो तुम्हारे मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं उनको विश्राम नहीं मिलेगा। उनको विश्राम नहीं मिलेगा तो तुम्हारी जो याददाश्त की शक्ति है वो विकसित नहीं होगी। और याददाश्त की शक्ति विकसित नहीं होगी तो एकाग्रता पूर्वक तुमने जो पढ़ाई की है वो अगर तुम दूसरे दिन याद नहीं रख पाओगे तो किस काम की। बेहतर है कि तुम प्रकृति के साथ जीना सीखो, प्राकृतिक तरीकों से अपने एकाग्रता को बढ़ाओ, प्राकृतिक माध्यम से जो कुदरत ने हमको दे रखे हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बता रखे हैं बरसों पहले सदियों पहले, उनको हम अगर ध्यान में लें तो हम निश्चित रूप से योग के माध्यम से शरीर, श्वास और मस्तिष्क तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। और जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो इससे हमारा तनाव कम होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और जब तनाव कम होता है तो हमारी याददाश्त बढ़ती है, और हमारी याददाश्त बढ़ती है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो लक्ष्य पाने की जो हमारी त्वरा होती है, जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारी इच्छा शक्ति होती है वो अपने आप बढ़ती है, और हम बिना किसी की दबाव में आए, बिना किसी के कहे अपना काम खुद आगे होकर करना शुरू कर देते हैं। मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा कोटेशन भेजा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। योग से तुम दोस्ती कर लो, अपने हर दर्द को खुद दूर कर लो। एक और साथी ने किसी ने भेजा है मुझे, हर चीज को सहना सिखाता है, योग हमें जीना सिखाता है। और ये एक और कमेंट आया है, सुबह उठकर लो राम का नाम फिर करो योग बाद में सारे काम। तो मित्रों योग ऐसी शक्ति है, ऐसी प्राकृतिक शक्ति है। पिछले दिनों एक सेमिनार में, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सेमिनार में हम गए थे, तो वहाँ अचानक किसी ने पूछ लिया कि सर एकाग्रता बढ़ाने के लिए कौन कौन से योगासन हम बच्चों को करवाएं। वहाँ के शारीरिक शिक्षक महोदय ने पूछा कि सर हम चाहते हैं कि हम बच्चों को योगाभ्यास करवाएं स्कूल में, मैं योग का कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, अभी भी सीखने की प्रक्रिया में हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने सीखा उसके माध्यम से, उसके आधार पर मैंने उनको कुछ 6-7 ऐसे आसन बताए जो शायद आप जो भी सुन रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ इन आसनों को अगर करें तो बच्चों में एकाग्रता निश्चित रूप से बढ़ेगी। और ये आसन है ताड़ासन पहला, दूसरा है वृक्ष आसन, तीसरा है गरुड़ आसन, चौथा है नटराज आसन, पांचवा है बक आसन, बकासन जिसको बोलते हैं, छठा है उष्ट्रासन, और सातवां है पश्चिमोत्तानासन। तो ये 6-7 ऐसे आसन हैं जो अगर बच्चे नियमित रूप से 5-5 मिनट भी रोज करें तो आधा घंटा 40 मिनट की आवश्यकता पड़ती है, और इन 40 मिनट के बदले में उनको पूरे दिन मन की एकाग्रता हासिल होती है। दूसरा प्रश्न, एक हमारी सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है तो इसमें संयोग से 50 पार के लोगों की संख्या ज़्यादा है, और इन सब लोगों में भूलने की आदत बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, बचपन में सो 55 में, तो यानी कि 55 साल की उम्र के बाद का समय और बचपन का समय लगभग एक जैसा होता है, याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होने लगती है, और बचपन में याददाश्त विकसित नहीं होती है, और बचपन के बाद याददाश्त जो विकसित हुई हुई होती है वो कमज़ोर होने लगती है। तो बचपन के बाद याददाश्त कमज़ोर ना हो और बचपन में याददाश्त जल्दी जल्दी बढ़े, इसके लिए क्या
और क्यों याददाश्त बढ़ाना क्यों आवश्यक है? कई बार आप और हम ऐसे लोगों पे हंसते हैं जिनको छोटी छोटी महत्वपूर्ण तारीखें याद नहीं रहती, किसी का जन्मदिन याद नहीं रहता, रास्ता भूल जाते हैं, घर से निकले थे कुछ काम करने और कराए कुछ और काम। तो ये सब चीज़ें न हो और हमारी याददाश्त हमारे सही ठिकाने पर रहे, तो इसके लिए भी कुछ आसन हमारे योगाचार्यों ने बताए हुए हैं और मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाई है अध्ययन करके, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं कोई योग का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैंने विभिन्न स्रोतों से कुछ आसन चुने हैं जो हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ावा देने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। और उनमें से सबसे पहला है वकासन। वकासन का नियमित अभ्यास करने से मानसिक और शारीरिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही हमारी याददाश्त को तेज करने में भी यह आसन बहुत मददगार है। दूसरा आसन होता है वज्रासन। वज्रासन प्रायः डायमंड पोज के रूप में जाना जाता है और यह एक जादुई योगासन है जो न केवल याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है बल्कि आपका वजन घटाने में भी मदद करता है। तो जिन बच्चों का या बड़ों का वजन ज़्यादा है उनको भी ये आसन करना चाहिए और जिनकी याददाश्त कमज़ोर है उनको भी ये आसन करना चाहिए। तीसरा सुख आसन। सुखासन ये आपकी रीढ़ की हड्डी को ठीक करता है और रीढ़ की हड्डी ठीक होती है तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र का जो सारा तंत्र होता है वो इसी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से पूरे शरीर में फैला होता है। तो उस तंत्र में जो तनाव होता है, जो रुकावट होती है, अवरोध होते हैं, वो दूर हो जाते हैं और ये हमारे दिमाग को शांत करता है। तो जब दिमाग शांत होगा तो हमारी चिंताएँ घटेंगी, हमारा मानसिक तनाव घटेगा, तनाव घटेगा तो हमारी जो याददाश्त को बढ़ाने वाली तंत्रिकाएं हैं वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगी और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। चौथा इसमें उपयोगी आसन बताया गया है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जहां शरीर को लचीला करने के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ ये सिर दर्द का इलाज करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। और जब सिर दर्द नहीं होगा और एकाग्रता होगी तो याददाश्त निश्चित रूप से बढ़ेगी। यह सबसे अच्छा आसन है उन लोगों के लिए भी जो मधुमेह के शिकार हैं, अर्थात जिनको डायबिटीज़ है। तो जिनको डायबिटीज़ है उनको भी ये आसन करना चाहिए, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है उनको भी ये आसन करना चाहिए, जिनको टेंशन एंग्जाइटी अर्थात तनाव और चिंता बहुत ज़्यादा होती है उनको भी ये आसन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो इसमें काम आते हैं और आप निश्चित रूप से प्रतिदिन टीवी पर बहुत सारे चैनल हैं जिनके माध्यम से हम आए दिन बड़े बड़े विद्वानों के लेक्चर सुनते रहते हैं। मैं तो एक मामूली विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी के रूप में मैंने आपके साथ वो बातें साझा की हैं जो मैं सीख रहा हूँ या जो मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को। अंत में हम एक टॉपिक पे और डिस्कस करना चाहेंगे और वो है कि इतनी सारी बातें हमने कर ली, अगर हमको सार रूप में कहना हो कि भाई मस्तिष्क के लिए, याददाश्त के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, शरीर को तरोताजा रखने के लिए सारे काम एक साथ हो जाएं, उसके लिए क्या कुछ ऐसे गिने चुने सिलेक्टेड योगासन और प्राणायाम की सूची है जिनको रेगुलर तौर पर सब कोई फॉलो कर सकता हो, साधारण से साधारण इंसान भी जिनको फॉलो कर सकता हो? तो निश्चित रूप से हमारे विद्वानों ने इस बारे में बहुत सारे अध्ययन और प्रयोग करने के बाद कुछ आसन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक कॉम्बिनेशन है योगासनों और प्राणायाम का और ये पांच मैंने बहुत सारे अध्ययन के बाद, बहुत सारे विद्वानों को सुनने के बाद ये पांच गतिविधियां मैंने सेलेक्ट की हैं जो विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती हैं। और जिसमें सबसे पहला है कि, और उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि योग का जो विज्ञान है, योग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है जैसा कि आमतौर पर कई लोग भ्रामक प्रचार करते हैं कि योग तो हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है,
ईसाइयों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। योग मानव मात्र के लिए है, आयुर्वेद मानव मात्र के लिए है, एलोपैथी मानव मात्र के लिए है। तो जिस प्रकार ये सारे वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, वैज्ञानिक विधाएं हैं, योग भी एक वैज्ञानिक विधा है। और योग ऐसी वैज्ञानिक विधा है जो हमारे शरीर की और मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। और जब हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है तो हमें बाहरी रोगों के हमलों से लड़ने की, रोगाणुओं से लड़ने की, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो कोरोना जैसे घातक रोगाणुओं से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। और ये प्रतिरोधक क्षमता जिसमें जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा सक्षम, स्वस्थ और दीर्घायु होगा। तो मैं आपके लिए बहुत सारे विद्वानों के लेख पढ़ने के बाद, बहुत सारे विद्वानों के भाषण सुनने के बाद, ऐसे पांच योग और प्राणायाम का कॉम्बिनेशन यहां बताने जा रहा हूं जो हमारे मस्तिष्क और शरीर के लिए बहुत लाभदायी है। और प्रतिदिन अधिक नहीं, हम 30 से 40 मिनट का समय निकालें तो ये पांच क्रियाएं हम रोज कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से तमाम नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, झुंझलाहट, निराशा, भय, चिंता, इन सब से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ ये एकाग्रता और हमारी याददाश्त को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ये एक साधारण प्रक्रिया है जिसको आप घर में बैठे हुए कर सकते हो, स्कूल की क्लास में बैठे हुए कर सकते हो, ऑफिस में बैठे हुए कर सकते हो, घर से स्कूल या कॉलेज जाते समय बस में बैठे हुए कर सकते हो, ऑटो रिक्शा में बैठे हुए कर सकते हो, कहीं पर भी बैठ के ये आप कर सकते हो। दूसरा जो आसन है इसमें पाद पश्चिमोत्तानासन, ये रीढ़ की हड्डी को खींच कर तनाव मुक्त करता है और मन से क्रोध और चिड़चिड़ाहट को कम करता है। और अगर मन में क्रोध और चिड़चिड़ाहट नहीं होगी तो हमें एकाग्रता आएगी, हमारा ध्यान केंद्रित होगा, हम अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। और अगर हम अपने काम पर फोकस कर पाएंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हम उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम बन पाएंगे, और उच्च लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक असाधारण व्यक्तित्व का निर्माण अपने आप के लिए कर सकते हैं। तीसरा जो क्रिया है वो है एक सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन गर्दन और रीढ़ में खींचाव से मजबूती लाता है, और इस आसन को करने से हमारी मांसपेशियों को विश्राम मिलता है। ये आसन कैसे करने हैं इसके लिए आप गूगल पे जाकर के इनके बारे में ढूंढ सकते हैं, बहुत प्रचुरता में इनकी विधि और सब चीज आपको मिल जाएगी। सही विधि से इन आसनों को करें, मैं उसके लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूं इसलिए मैं ये करके आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं केवल आपको सिद्धांतिक जानकारी दे रहा हूं। प्रायोगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप या तो किसी योग्य गुरु का सहयोग लें या गूगल पर जाकर के स्वामी रामदेव जी के वीडियो ढूंढें, या हमारे कंचन सेवा संस्थान के जो यूट्यूब चैनल हैं उस पे हमारे डॉक्टर छेल बिहारी शर्मा जी ने जो है योगाचार, योग और नेचुरोपैथी से रोगों के इलाज के बारे में बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, उसमें भी बता रखा होगा। तो आसन करने का तरीका आप वहां से सीखें, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा आसन करना चाहिए और उससे क्या फायदा मिलता है। तो सेतुबंध आसन से मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में यह आसन हमारी बहुत मदद करता है। और जब हमारा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र शांत होता है तो हमारी चिंताएं, तनाव, अवसाद, जिसको हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी और टेंशन बोलते हैं, वो सब दूर होते हैं। इससे हमें अच्छी नींद आती है, हम जो कुछ पढ़ते हैं वो हमें याद रहता है। चौथा महत्वपूर्ण आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन जो है वो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों को नियमित और सुचारू करता है। जो विज्ञान पढ़ते हैं उनको पता है कि थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां जो हैं वो पीनियल और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों में अधिक रक्त पहुंचाने का कार्य करती है, और जब अधिक रक्त वहां पहुंचता है
तो इससे हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट होता है। अधिक रक्त पहुंचने का मतलब अधिक गतिशीलता, अधिक ऑक्सीजन का संचरण। तो जब हमारे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है, सामान्य तौर पर होता है, बिना किसी अवरोध के होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन का भी अच्छा संचरण होता है और इससे हमारे मस्तिष्क की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। सभी संज्ञानात्मक कार्यप्रणालियाँ जो हमारी होती है वो सब की सब सुधरती हैं, है ना। तो ये सर्वांग आसन हमारे मस्तिष्क को प्रखर करने में बहुत मददगार होता है, हमारे मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने में बहुत कामगार होता है। और इसी तरीके से एक जो अंतिम आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हलासन। हलासन जो है वो भी मस्तिष्क के रक्त प्रवाह को ठीक करने वाला आसन है। इससे क्या होता है, पीठ और गर्दन में खिंचाव आता है, उसकी वजह से तनाव और थकावट हमारी कम हो जाती है। और जब तनाव और थकावट कम हो जाती है तो हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, और जब हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है तो हम अन्य सारे कार्य करने में बहुत आसानी से सक्षम हो पाते हैं। तो अंत में मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ तनाव कम करने के लिए है, योगासन सिर्फ योगियों के लिए या साधु संन्यासियों के लिए या रोगियों के लिए है। ये गलत है। योग और ध्यान मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं। अगर हम एक हफ्ते में 6 घंटे भी योग और ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की संरचना में सकारात्मक बदलाव आता है। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ वैज्ञानिकों ने, चिकित्सा वैज्ञानिकों ने और हमारे योग गुरुओं ने विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से सत्य प्रतिपादित की है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि ऐसा होता है। और ये बदलाव एकाग्रता को बढ़ाते हैं, स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं और एक साथ हमें कई काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं, अर्थात हमें मल्टीटास्कर बना देते हैं। और अगर हम एक सक्सेसफुल मल्टीटास्कर हो गए तो विद्यार्थी जीवन में इससे अच्छा और कोई अचीवमेंट हो नहीं सकता। और अगर हम मल्टीटास्किंग सक्सेसफुली कर सकते हैं तो हम एक बहुत अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपनी छवि बना सकते हैं। एक अच्छा विद्यार्थी आने वाले समाज का एक अच्छा नागरिक होता है, जिम्मेदार नागरिक होता है। और जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बल्कि बता नहीं दूं, आपके लिए पढ़ दूं कि सन 2011 में हार्वर्ड से जुड़े हुए शोधकर्ताओं ने एक बहुत बड़े अस्पताल में एक शोध किया था, रिसर्च किया था। और उस रिसर्च में ये कहा था कि हमारे मस्तिष्क में कुछ ग्रे एरियाज होते हैं और वो ग्रे एरिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ होता है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अगर ये ग्रे एरिया होते हैं तो दिमाग धीरे काम करता है, लेकिन अगर हम ध्यान योगा योगासन करते हैं तो ये ग्रे एरियाज धीरे धीरे कम होने शुरू होते हैं और हमारे मस्तिष्क की एक्टिविज्म बढ़ जाता है, हमारे मस्तिष्क का एक्टिविज्म बढ़ जाता है, सक्रियता बढ़ जाती है। तो ये मस्तिष्क के वो हिस्से हैं जो स्मृति, सजगता, निर्णय लेने की क्षमता और सीखने की क्षमता से जुड़े हुए हैं। इसलिए ध्यान जो है वो अधिक से अधिक मस्तिष्क की शक्ति का कारक है। ध्यान से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, योग से शरीर की आंतरिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए योग और ध्यान दोनों का एक संतुलित कॉम्बिनेशन, एक समन्वित जो अभ्यास है, नियमित रूप से यदि हम करें तो निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम अपने बच्चों को एक जिम्मेदार, सफल, सजग, स्वस्थ, निरोगी नागरिक बनाने में मदद कर सकते हैं। हमारे बच्चों के ब्रेन को हम सुपर ब्रेन की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर सकते हैं। हमारे बच्चों को हम सुपर मैन की कैटेगरी में ला के खड़ा कर सकते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ एक बात की मित्रों, थोड़ा समय देने की, इन चीज़ों पर विश्वास करने की, इन पर अमल करने की। अंत में एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को सुनी। तथ्यात्मक रूप से अगर
मेरी बात में कहीं कोई त्रुटि हो तो मुझे मैसेज के माध्यम से अवगत करावें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और आपका कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9081900911। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है drtrilokss@gmail.com। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।